हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिता स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रमिता किचन में। आज मैं और एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है एक स्ट्रीट फूड, खिचाई पापड़। खिचाई पापड़ जो है एक स्नैक्स आइटम है। जो खिचाई पापड़ आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। चलिए शुरू करते हैं खिचाई पापड़ बनाना। आज मैं जो रेसिपी लेकर हूँ वो है पापड़ के ऊपर। पापड़ का रेसिपी बनाने से पहले पापड़ को थोड़ा सा जलना है। पापड़ को तेल में तलना नहीं है, पापड़ को सिम लो फ्लेम में अब पापड़ को जलाना है। तेल में तलने से ये ज़्यादा ऑयली ऑयली लगेगी, इसलिए पापड़ को जलाकर ही बनाना है। मैं दो पापड़ लूंगी। हमारा पापड़ जल के रेडी हो गया है। अभी पापड़ को थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे तेल में। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये जो पापड़ का है, ये पापड़ का खींचा पापड़ बोलते हैं, तोड़ देंगे, दो फाल कर देंगे इसे। ये एक स्ट्रीट फूड है। इसके ऊपर बारीक कटा हुआ टमाटर, डेली जो स्नैक्स आप खाकर बोर हो गए तो आप ये स्नैक्स खाकर, एक अलग टाइप का ये स्नैक्स है। फिर कुकुम्बर, थोड़ा सा ओनियन, सारा सा टमाटर, कुकुम्बर और ओनियन सारा बारीक कटा हुआ है। इसके ऊपर थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची आपको चाहिए तो डालेंगे, नहीं तो मत डालो। थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा रेड चिल्ली व इमली का पेस्ट, इमली का चटनी, थोड़ा सा ग्रीन चटनी। ये जो पापड़ खींचा, ये एक स्ट्रीट फूड है, ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत चटापट भी है, और ऊपर से थोड़ा सा पतला सा लाइन नाइलॉन से वो। इसके ऊपर ग्रेटेड गाजर। जो स्नैक्स है बहुत इजीली बन जाती है, ये सारा सब्जी जो घर पे अवेलेबल रहता है। इसके ऊपर थोड़ा सा और प्याज, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न,
और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और थोड़ा सा इमली का चटनी, और थोड़ा सा ग्रीन चटनी, और ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्र। मेरा ये बन गया है खींचा पापड़, स्ट्रीट फूड खींचा पापड़। खींचा पापड़ बनाने के लिए गैस भी नहीं चाहिए, कि ज़्यादा तेल भी नहीं चाहिए, कि ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। रोज़ रोज़ जो स्नैक्स खाकर बोर हो जाते, आप ये स्नैक्स बनाकर दीजिए, उनको बहुत पसंद आएगी। और जो तेल भी खाने को पसंद नहीं करेंगे, तला हुआ सामान, वो भी एक पापड़ खींचा को बहुत पसंद करेंगे। आप पहली बार मेरे चैनल को देख रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आशा करती हूँ आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, आप घर पर बनाइए, कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आई, टेस्ट भी लगा, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मेरा और रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगी मेरा नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।